बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए गर्मी की एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बेसन में अरवी के पत्ते बनाना सिखा रही हूँ। तो ये बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप इसे ट्राई करें तो अपनी डिश की एक पिक मेरे फेसबुक पेज के ऊपर मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं वहाँ इसे आपके नाम के साथ पोस्ट कर दूँगी। तो इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमको चाहिए हैं, चलिए आइए सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। अरवी के पत्तों का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हमें अरवी के पत्तों को साफ करके तैयार करना होता है। तो ये अरवी का पत्ता है, इसे मैंने धो लिया अच्छे तरीके से और ये मैं एक दिन पहले लेकर आई थी। अक्सर ये इतवार बाजार, बुध बाजार में इजीली मिल जाते हैं। तो जिस तरह हम पान हल्के से डैम क्लॉथ के अंदर कवर करके रखते हैं, सेम इसी तरीके से देखें, मैंने ये टुकड़े बड़े बड़े काट के रखे हुए, इसको मैं इस तरीके से रैप कर लूँगी। तो हमने इसको क्या करना है, जो भी इसकी एजेस जो हैं वो ख़राब हो जाएं उनको ट्रिम कर लें आप। और उसके बाद एक ये वाली डंडी और एक ये वाली डंडी आप इसकी काट के निकाल लें। ये पत्ता आ गया, इसको हम बीच में से दो कर लेंगे और फिर ये चौड़ा है काफ़ी, तो इसको मैं यहाँ से भी दो कर लूँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से किसी अच्छे बड़े बर्तन के अंदर पानी में भिगो के इसको साफ करके रखा है, क्योंकि इसमें भी पान की तरह काफ़ी सारा मिट्टी होती है। तो ये भी मैंने इसी तरीके से कट कर लिए हैं। बेसन का जो लेप हम इसके ऊपर लगाएंगे उसके लिए मैंने एक सवा कप भर के बेसन ले लिया है, एक टीस्पून इसके अंदर मैंने लहसुन लिया है पेस्ट, एक चौथाई टीस्पून इसके अंदर अजवाइन है, हाफ टी स्पून नमक है, आप अपने जायके के हिसाब से डालेंगे, एक टीस्पून पिसी लाल मिर्च है, एक टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा है और हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी है। ये तमाम चीज़ें हम कंबाइन करके एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। सब चीज़ों को मैं पहले मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और एक गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए मैंने गाढ़ा पेस्ट रेडी कर लिया, इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं छोड़ूंगी ताकि बेसन फूल जाए अच्छे तरीके से। और मैंने एक कप पानी लिया था, उसमें से 3-4 टेबलस्पून पानी इसमें बाकी है। अब हम एक पत्ता ले लेंगे और इसके ऊपर हम ये लेप लगाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने हैवी इसके अंदर लेप नहीं लगाना, क्योंकि ये भाप में फिर पकेगा नहीं और कच्चे बेसन का मज़ा आएगा। इसके बाद हम इसे इस तरीके से मोड़ देंगे, फिर से ज़रा सा इस पर लेप लगाएंगे, फिर इसको इस तरीके से एक पार्सल की तरह कर देंगे। पहले हम अंदर लेप लगा के सारे पार्सल तैयार कर लेंगे और उसके बाद इन पार्सल को हम बेसन में डिप करेंगे और अच्छी तरह सब तरफ से बेसन लगा के इन्हें भाप में हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। अब मैंने इसको भाप में पकाने के लिए क्या किया है कि एक चावल छानने की छन्नी जो है वो इस तरह पतीली के ऊपर रख ली है, ये बिल्कुल इससे टकरानी नहीं चाहिए, पानी जो है वो इसके नीचे ही रहना चाहिए। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, ब्रश की मदद से इस पर अच्छे तरीके से ऑयल लगा लूँगी ताकि जब हम डालें तो ये बिल्कुल ना चिपके। अब इसके बाद एक एक को हम इस तरह उठाते जाएंगे, डिप करते जाएंगे, एक्स्ट्रा इसमें से झाड़ते जाएंगे इस तरह कि ये खुले ना, और फिर इसके अंदर हम रखते जाएंगे। हम तमाम के तमाम पत्ते जो हैं उनको स्टीम कर लेंगे और फिर हल्के ऑयल के अंदर हम फ्राई करेंगे। ये हमने रख दिया है, आंच को हम मीडियम कर देते हैं और मैं इसके ऊपर इसी पतीली का कवर रख रही हूं और मीडियम आंच के ऊपर मैं तकरीबन 3-4 मिनट इनको स्टीम करूंगी। जब ये एक तरफ से अच्छे से पक जाएगा बेसन तो मैं इसको टर्न कर दूंगी। जितनी देर हमारी भाप के अंदर अरवी के पत्ते स्टीम हो रहे हैं उतनी देर मैं आपको इसकी ग्रेवी के लिए
इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसमें मैंने आधा चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून इसमें धनिया है पिसा हुआ, इसके अलावा 1 टीस्पून फुल भर के इसके अंदर पिसी लाल मिर्चें, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1/2 टीस्पून इसके अंदर नमक है, 1 छोटा टमाटर, 1 छोटी प्याज जो है उसको मैंने ग्राइंड करके पेस्ट कर लिया है, और ये थोड़ी सी मेरी साफ की हुई और ग्राइंड की हुई कसूरी मेथी है, ये दम के ऊपर जाएगी और थोड़ा सा इसके अंदर पिसा हुआ गर्म मसाला जाएगा। 3-4 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से स्टीम दे लिया एक तरफ से। अब मैं इसे पलटूंगी, तो पलटने के लिए इस तरह का कोई नोक वाला हम चमचा यूज करेंगे इसको इधर से लेके, और इसके अंदर अगर बेसन लगा भी रह जाए तो कोई हर्ज नहीं है। इस तरीके से हम इसको खुरच लेंगे और इसे पलट देंगे, ज़्यादा इसके अंदर बेसन निकलेगा नहीं, और चूंकि अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से बेसन है इसलिए अगर थोड़ा सा निकल भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो हमारा सारा मकसद जो है वो अंदर के बेसन को ही स्टीम करना है, इसे कवर करके 2-3 मिनट, बल्कि अब तो 2-3 मिनट ही चाहिए होंगे, इसको स्टीम और कर लेती हूँ और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। जितनी देर में हमारा सेकंड बैच जो है वो स्टीम हो रहा है उतनी देर में हम फर्स्ट बैच को फ्राई कर लेते हैं। दोनों तरफ से इसको गोल्डन करेंगे और निकाल लेंगे प्लेट के ऊपर, पलट के देखते हैं, अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, सबको पलट देते हैं। सिर्फ 1-1 मिनट के अंदर ये अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं, आंच मीडियम करी हुई है मैंने, तो बस इन्हें फ्राई करते जाते हैं और निकालते जाते हैं। अब जिस तेल में हमने तलाई की थी साफ करके उसी को ले लिया है, और ये तमाम मसाले के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी मिला लिया था, ये चला जाएगा, साथ ही चला जाएगा ये टमाटर और प्याज का पेस्ट। मिक्स कर लेते हैं और अच्छे तरीके से मसाले को भून लेते हैं। मसाला अच्छे तरीके से भून गया, अब मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ, और मैं आपको बचपन की अपनी एक याद बताऊं, जब मेरी नानी ने मेरे होश आवास में ये पहली दफा बनाए थे मामी के तलने के बाद, 3-4 पालक के पकौड़े समझ के खा लिए थे, और ये देखिए आज भी मैं यही कर रही हूँ कि एक मैंने अपने खाने के लिए रोका हुआ है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे शोरबे के लिए, इसका शोरबा जो है वो पतला रखना है क्योंकि ये पी जाते हैं तो पानी इसके अंदर ज्यादा ही जाएगा। 1 ग्लास मैंने डाल दिया है, आधा ग्लास मैं और डाल रही हूँ और इसे पकने के लिए छोड़ रही हूँ। थोड़ी देर में इसमें से इसका थोड़ा सा क्रस्ट वगैरह भी लूज होगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा, वैसे इसका शोरबा जो है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होता। ये मेरी साफ की हुई मेथी है, आधा चाय का चमचा ये जा रही है इसके अंदर, और आधा चाय का चमचा जाएगा इसमें गरम मसाला पिसा हुआ, ये भी मेरा होममेड है तो मैं कार्ड में इसका लिंक डाल दूंगी, अगर आप बनाना चाहें तो देख के बना सकते हैं। इसे कवर करते हैं और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे सिर्फ 10 मिनट हम पका लेते हैं मीडियम लो फ्लेम पे, उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गए, हमें बस हल्का सा इनको सॉफ्ट करना है, बाकी और कुछ इतना ज्यादा पकाना मकसूद नहीं है क्योंकि ये सब पका हुआ है। 10-12 मिनट के अंदर मसाला भी अच्छे तरीके से पक जाएगा, कच्चापन दूर हो जाएगा। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और बस फिर इसके बाद मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। तो हमारे बहुत ही मज़ेदार अरबी के पत्तों की सब्जी रेडी है, ये बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए, इसके अलावा बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि नए आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। मेरा एक फेसबुक पेज है, उसे चेक कर लीजिएगा। अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।